आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, ये गेहूं की कटान का मौसम है। मैं यहाँ पे आपको मार्च अप्रैल में बोल रहा हूँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब जगह ही जो है वो गेहूं कट रहा है, और कृषक जो है नया भूसा है उसको खिला देते हैं इसको। और सारी दिक्कत यह है कि अगर उसमें वो बैलेंस फीड नहीं दे रहे, अगर उसमें ईस्ट नहीं दे रहे, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब उसका वो जानवर खाना बंद कर देता है, उसका पेट फूलता है और बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें भूसे में लिग्निन होता है। सो लिग्निन जो है वो अनडाइजेस्टिव है। लिग्निन क्या होता है, जैसे आप देवदार का पेड़ देखिए तो उसमें से फिनॉल निकलता है, तो वो फिनॉल एक कंपाउंड है जिसकी वजह से उसमें दीमक भी नहीं लगती है। तो वो लिग्निन जो है वो जो उसमें सेलुलोज होता है, जो उसका सेलुलोज से ग्लूकोज मिलता है, वो नहीं तोड़ पाता। तो एक बात तो ये हो गई कि उसका डीलिग्निफिकेशन करिए आप यूरिया से, या जो बहुत से एंजाइम्स आते हैं, जैसे इसमें केजाइम है, वो कर्नाटका बनाता है, उसमें जो है पेप्टिडेज, सेलुलेज, सारे एंजाइम्स हैं। आप देख लीजिए उसका पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। तो उसको देने से जो है आपका जो है थोड़ा सा लिग्निन में फ़र्क पड़ जाएगा, आपका एसएनएफ भी ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको उसको प्रोटीन ज़रूर देनी है। अगर आप वो दे रहे हैं तो आप उसको प्रोटीन दीजिए। अब प्रोटीन के तो मेन वो है, ज़्यादातर लोग जो है वो लाई की खल देते हैं, जहाँ गुजरात है वहाँ पे, मतलब उसकी भी कॉटन सीड और मूंगफली भी खल है। सबसे अच्छा जो है मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मतलब सोयाबीन की भी खल मिलती है। पर जैसे अब उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में या पहाड़ों में तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलती है, तो आप उसमें थोड़ा मोड़ा उनको 10-20 ग्राम यूरिया दे देंगे तो आपका उससे भी, क्योंकि जब तक उसमें प्रोटीन नहीं होगी तब तक वो सेलुलोज जो है बैक्टीरिया नहीं होंगे, और बैक्टीरिया नहीं होगा तो फिर वो सब मामला गड़बड़ है। इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ, एक तो आप केजाइम मिलाए जिसका पिक्चर याद दिया है, दूसरा उसको वीकली जो है वो रूमिकेयर MSG का आता है, वीक में ही देना, रोज नहीं देना, वीक में आधा पैकेट सुबह आधा पैकेट शाम को हर एक जानवर को दे देंगे तो वो काम बन जाएगा आपका। अगर आपको खल नहीं मिलती है या खल बहुत कीमती है तो आप प्रोटीन के उसके लिए सोयाबीन की बड़ी भी दे सकते हैं। जब तक प्रोटीन नहीं होंगे और प्रीबायोटिक्स नहीं होंगे तब तक वो है, प्रीबायोटिक में एड ऑन भी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है MSG ने बना रखा है, उसमें एक में तो माइक्रो मिनरल्स है, कोई नाइम माइक्रो मिनरल्स के बिना काम नहीं करते, तो उसको जो है बायोप्लेक्स कहते हैं। तो बायोप्लेक्स का यहाँ पे वो दे रखा है आपको फिगर, और वो जो मैं इनकी कीमत भी बता दूँ आपको, जो ये है ये केजाइम जो है ये तो 100 रुपये में मतलब 100 ग्राम के करीब मिल जाता है, बहुत सस्ता है, आपको एक ही चम्मच देना है रोज। और रूमी केयर है वो अगर आप बल्क में लेंगे तो 60 रुपये का मिलेगा, नहीं तो 80 रुपये का पैकेट इसका मिल जाता है। तो रूमी केयर, और फिर आप प्रोटीन दीजिए, आप प्रोटीन नहीं दे सकते तो थोड़ा सा यूरिया दे दीजिए। तो वो उसके लिए आपके कृषक हैं बहुत सारे, वो मैंने उसका यूरिया फीडिंग का वो भी दे रखा है, वो लिंक है नीचे, यहाँ पे आप उसको देख लीजिए कि यूरिया कैसे देते हैं। यूरिया एक तो ये कि वो डीलिग्निफिकेशन करता है, उसमें अमोनिया प्रोड्यूस होती है, तो आप या तो वो ऐसे दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी 10-20 ग्राम जो है इसके दाने में मिला के खिला सकते हैं। अगर आप प्रोटीन देंगे, भूसे में प्रोटीन नहीं होती है, 2-3% प्रोटीन होती है, पर जानवर को 14%, 15%, 18%, 24% तक प्रोटीन चाहिए होती है। वो क्रूड प्रोटीन होती है, मतलब वो खल से मिलती है। थोड़ी सी खल जरूर दीजिए, थोड़ा सा यूरिया दीजिए, अगर आपके यहाँ खल नहीं होती है तो थोड़ा सा गुड़ भी दे दीजिए 100 ग्राम के करीब, तो आपका फर्मेंटेशन चल जाएगा। इसमें प्रीबायोटिक और इसकी ये प्रोबायोटिक्स का बहुत ही है, प्रीबायोटिक मतलब वो बैक्टीरिया को खाने के लिए होता है। इसमें वैसे बायोटोन प्लस है कर्नाटका की, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो फिर पानी पशु के पास हमेशा रहना चाहिए, अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तब भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने आपको यही बताया कि बहुत से बैक्टीरियल कल्चर है और मिनरल मिक्सचर है और ईस्ट है,
और क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन उसको जरूर दीजिए अन्यथा। और आप डीलिग्निफिकेशन भी कर सकते हैं, यूरिया से भूसे को ट्रीट करते हैं। धन्यवाद, आपने सुना, मैं सही हूँ। और मेरा फार्मर्सी स्कूल है, फार्मर ही फार्मर को बताता है। मैं बहुत से नंबर यहाँ नीचे दे रहा हूँ, तो उन फार्मर से आप बात कर सकते हैं। वैसे हमारे फार्मर्स स्कूल में फार्मर स्कूल के मेंबर हर एक ही स्टेट में है, और उनके नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो अपने रीजन के हिसाब से आप उनसे बात करें। जो मैं कह रहा हूँ उसको बात को मत मानिए, जो फार्मर कह रहा है जिससे उसको लाभ हुआ है उसी की अहमियत है। तो इसी के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपने सुना।